सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्ट्स ऑन YouTube चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है कैसे आप इनशॉट के अंदर सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। आप देख के रिजल्ट देख के शॉक्ड हो जाओगे। जी हाँ, बिफोर एंड आफ्टर मैंने आपको इस वीडियो पर एडिट करके दिखाई है, तो आप सोच भी नहीं सकते आप इनशॉट के अंदर इस तरीके से सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो पूरा वीडियो को जरूर से एंड तक देखना हो और स्टार्ट करना। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इनशॉट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को। तो आप देख सकते हो मैंने इनशॉट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप न्यू के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे या फिर ये जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आप टैप करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से अपनी गैलरी से वीडियो ऐड कर लेंगे। या फिर यहाँ पर वीडियो ढूंढने पर नहीं मिलता है, मान लो अगर आपकी गैलरी के अंदर बहुत ज़्यादा वीडियो है, तो आपको ये जो रिसेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से फोल्डर से कोई भी वीडियो को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अपना वीडियो को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरा जो वीडियो है वो कहाँ पर है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हो ये है मेरा वीडियो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको ये जो डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्कल के अंदर, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन आप आ जाएंगे इनशॉट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले आप अपनी वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो यहाँ से चूज़ कर लेंगे, कैनवास के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपकी वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो है वो चूज़ कर लेंगे, तो मैं यहाँ से 16:9 को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद कर दूंगा डन। ठीक है, अभी आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो को प्ले करेंगे और यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको दोबारा अपनी वीडियो को एक बार प्ले करना है। यहाँ से आ जाना एडजस्ट पर। एडजस्ट पर आने के बाद सबसे पहले ब्राइटनेस का जो वैल्यू है आपको 1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कर लिया 1। उसके बाद आपको आ जाना है कॉन्ट्रास्ट पर। कॉन्ट्रास्ट का जो वैल्यू है उसको आपको कर देना है -2। ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आ जाना है सेचुरेशन पर। जैसे कि आप देख सकते हो सेचुरेशन, आप इस पर एक बार टैप करेंगे, सेचुरेशन का वैल्यू आप थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे करीब 10 तक। ठीक है, +10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है HSL, देख सकते हो या आपके इनशॉट के अंदर भी आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास मिलता है कलर टूल, जैसे हमें लाइट रूम के अंदर मिलता है ना बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। सबसे पहले ह्यू मिलता है, देन सेचुरेशन, लुमिनस। अब इन तीनों ऑप्शन को यूज़ करके हमें अपनी वीडियो को सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग करना है। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि आप इतना परसेंट रख जाओगे तो आपका वीडियो जो है सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसको क्या करना है, आपको अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले का जो लाइन है, इन दोनों का लाइन जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 44% रखा हूँ और 18 रखा हूँ। ठीक है, और ये जो लाइन है हम इसे नीचे की तरफ लेके आ जाते हैं और यहाँ से हम इसका जो वैल्यू है माइनस रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो -29। और उसके बाद हमें आ जाना है सेचुरेशन पर। अब सेचुरेशन पर आने के बाद यहाँ पर भी हमें सेम ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम इसका वैल्यू प्लस रखना है 25% और इसका वैल्यू हम रखेंगे +21 और इस लाइन के वैल्यू हम कितना रखेंगे, इतना रखेंगे। ठीक है, +96। अब हमें इस लाइन को क्या करना है, जैसे कि देख सकते हो +88 कर लिया एंड अब हमें आ जाना है लुमिनेंस पर। ठीक है, अब लुमिनेंस पर आने के बाद यहाँ से बेसिकली लुमिनेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लुमिनेंस की मदद से आप अपने फेस को व्हाइट कर सकते हो, यानी गोरा कर सकते हो। अगर आपका फेस वीडियो के अंदर ब्लैक दिखाई दे रहा है तो लुमिनेंस की मदद से आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको इस लाइन को इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, आप फेस पर ध्यान से देख सकते हो, तो इसको आपको इंक्रीज कर लेना है, जैसे कि +52 कर लिया। उसके बाद ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको भी आपको कर देना है +41 या 40 के अराउंड एंड देन आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको भी आपको प्लस रखना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। तो यहाँ पर अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाया था। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो हमारी वीडियो कितना अमेजिंग कलर ग्रेडिंग हो चुका है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो आप देख के समझ सकते हो कि इनशॉट के अंदर आप किस लेवल का कलर ग्रेडिंग कर सकते हो अपनी वीडियो को। तो मैंने आपको दिखा दिया बिफोर एंड आफ्टर, अब हमें सिंपली कर देना है डन। ओके, अब डन करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए इस कॉर्नर पे आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप एक बार टैप करेंगे। यहां से आप सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आप इसका रेजोल्यूशन यानी क्वालिटी चूज करेंगे 1080p। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है।
तो इस तरीके से आप इनशॉट के अंदर सिनेमेटिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो सिनेमेटिक कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो।